सो गाइस 95 प्लस बायो, उसके लिए आप सभी को कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर प्लानिंग करोगे तो भाई ये स्कोर बायो के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, बायो में आराम से स्कोर कर सकते हो। हाँ, कम पढ़ के भी स्कोर कर सकते हो, पर उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। और अभी इस समय थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। कम पढ़ के कहने का मतलब क्या है कि अगर 15 में से आप 11 चैप्टर भी पढ़ते हो तो भी आप क्या कर सकते हो, स्कोर ज्यादा कर सकते हो, बट हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और गाइस वेट करना, जल्दी हम लोग एमएसटी सीटी का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट लाने वाले। आप सभी को ऐसे पता ही है कि कब से स्टार्ट होने वाला है, बट तैयार रहना, महफिल जमा देना, शोर मचा देना। तो चलो हम बताते हैं 95 प्लस कम पढ़कर कैसे। अब 15 चैप्टर है, 15 में से मान लो आपका 11 चैप्टर ही है, 4 चैप्टर नहीं हुआ, तो 4 चैप्टर का आपको क्या करना है, अपने दोस्त को कॉल करना है, पूछना भाई ये पहले चैप्टर में बता क्या क्या है, वो बताएगा। दूसरे चैप्टर में क्या है वो बताएगा, तीसरे चैप्टर में क्या है वो बताएगा, चौथे चैप्टर में क्या है बताएगा। बट भाई यहाँ एक चीज अलग हो जाता है, ओनली चैप्टर को जान के, उसके टॉपिक को जान के अगर बस लिख रहे हो तो भी मार्क्स मिलने के कम चांसेस होते। आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस 4 चैप्टर के अंदर जो सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, वो डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लो। वो डायग्राम की प्रैक्टिस करके जितना आपने लेवलिंग किया हुआ है, उस लेवलिंग से रिलेटेड जो जो चीजें आप लिख सकते हो, उस लेवलिंग से रिलेटेड आप 2-4-3-4-3 मार्क्स ले तो 6 पॉइंट, और ऑलरेडी आपने डायग्राम बनाया तो उसके भी मार्क्स आपको कहीं नहीं जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आपसे मतलब पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, आपसे हो ही नहीं रहा, तो उसको ये रूल फॉलो करके आपको कर सकते हैं। हाँ, एक चीज, जब आप 4 चैप्टर छोड़ रहे हो तो 4 चैप्टर छोड़ो मत, क्योंकि आपका टारगेट 95 प्लस है, उसको इस तरह से कंप्लीट करो। समझ में आ रही मेरी बात? इस तरह से कंप्लीट करोगे तो आपकी पूरी चीजें कवर हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से पेपर लिख आओ। पेपर में, बायो के पेपर में स्कोर करने का पहला यही रूल होना चाहिए कि आपको पेपर पूरा का पूरा अटेंड करना है, पूरा का पूरा। उससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक लग रहा है आपको लिख के आओ और अच्छे से सिस्टमेटिक, जितना क्लीन लिखोगे। 95 प्लस का पहला रूल ये है। दूसरा रूल यही होता है कि आप सभी को पेपर एकदम क्लीन रहना चाहिए। आप जो डायग्राम बना रहे हो वो डायग्राम बहुत क्लीन दिखना चाहिए और बहुत नीट दिखना चाहिए। अगर जिस तरह से आपका दिखा तो भाई आपको स्कोर आपके मार्क्स कट करने से, देखो बायो में लोग हाफ ऑफ मार्क्स आपका उड़ा सकते हैं, पर आपका डायग्राम क्लीन है ना तो कोई मार्क्स उड़ाने का कहीं चांसेस ही नहीं बनता। तो इन चीजों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमारी अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो कुछ, देखो थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक बायो के अंदर चल जाती है, इतना नहीं, बट अगर आप इतना डेंजर लिख रहे हो कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर गड़बड़ हो सकता है। समझ में आ रहा है? गड़बड़ हो सकता है। हाँ, ग्रामर फॉर्म अगर आपका गलत है तो भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं, बट स्पेलिंग अगर बहुत ज्यादा ही गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत हो सकता है, बट उतना चांसेस नहीं रहता। ये कोई इंग्लिश नहीं है, ये आपका बायो का सब्जेक्ट है, इसमें इतना बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो भाई फटाफट बड़ा प्रैक्टिस में लग जाओ, टारगेट बना लो, एटलीस्ट अगर 95 का करोगे तो 90-85 तो आ ही जाएगा भाई। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।